हे गणपति बप्पा, नया साल आ चुका है और मैं ये चाहती हूँ ये नया साल सबकी जिंदगियों में ढेर सारी खुशियां लेके आए और हमारी सोसाइटी में भी। अगर हमको एक कप कॉफी मिले तो नए साल में चार चांद लग जाए। लाती हूँ आपकी कॉफी, आप बैठिए, मैं यू गई और यू आए। अच्छा सर, क्या कर रही हो सुमा? गॉर्जियस दिख रही है एकदम नई नई साड़ी में। थैंक यू, लाती हूँ कॉफी। मैंने ले, जरा मेरी भी तो तारीफ कर। हो भी आपकी फिक्र नहीं है। नहीं रहने दे। नहीं करती हूँ ना। रहने दे, निकल। कुछ काम की नहीं है। शर्मिला बहन, इसको क्या हो गया सुबह सुबह? आजा जल्दी बाहर। क्या हुआ सुमित्रा? नवीन वर्षांचा हार्दिक शुभेच्छा। और थोड़ी शक्कर मिल सकती है क्या? लाती हूँ शक्कर। अभी सासुमा मंदिर चली गई, अभी जैसे ही मंदिर से आएगी उनको चाय लगता है तुम्हारे ससुर जी जैसा, इसलिए मैंने सुना तुमसे मांग लूँ शक्कर। शक्कर सारी खत्म हो गए। वैसे तुमने कुछ नोटिस नहीं किया क्या? शिम शिम। हाँ कलर तो सेम है पर एक चीज में फर्क है। पता है मुझे, नहीं तो बताने की कोई जरूरत नहीं। लाती हूँ शक्कर। शर्मिला, लगता है नए साल के साथ साथ ये भी अपडेट हो गई है। होने दो, जितना अपडेट होना है उतना होने दो। ब्रांडेड तो नहीं हो सकती ना, ब्रांडेड बस एक थी है और हमेशा एक ही रहेगी। सुमित्रा नए साल की शुरुआत चूही की आवाज के साथ। थोड़ा सा भर के देना, पिछली बार एक ही चाय बना था तो तीन चाय बनने चाहिए। अरे सूरज एक दिन पश्चिम से निकलेगा, फिर भी इसका शक्कर मांगना कभी नहीं छूटेगा। ये लो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज साड़ी पहनी है ड्रेस की जगह? कहीं जॉब से निकल तो नहीं दिया? चरवरी जी, जॉब छूट गया क्या आपका? ऐसा मैंने, शर्मिला बोल रही है। मुझे लगा बस ऐसा, क्योंकि आपने वो ड्रेस पहनना चालू किया था ना अचानक साड़ी। तो शर्मिला जी, दरअसल बात यह है कि आज नए साल की छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी साड़ी पहनी जाए, बहुत दिनों से पहनी नहीं थी इसलिए पहन ली आज साड़ी। अच्छा, अभी साड़ी पहन ली तो शादी भी कर दो एक दिन। नहीं पर आपसे पहले शायद सोया जी का नंबर है, कल फ्लावर का गुच्छा कैसे पकड़ लिया इन्होंने। जा तो आप रही थी आगे आगे, मैंने देखा ना ऐसा आप जा रही थी ऐसा ऐसा, और वो गुच्छा जाके इन्हीं के हाथों में गिरा। सच बोलना शर्मा, आप चाहती थी ना ये आपके हाथ में गिरे, अगला नंबर आपका हो, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। दोया जी कुछ नहीं कर रही थी, मतलब नॉर्मल खड़ी थी, वो सीधा आके उनके पास ही गिरा। ऊपर वाले की जो मर्जी, उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? मुझे लगा था नए साल में थोड़ा सुधर जाएंगे पर ये तो और बिगड़ गए। बहुत सारी पैकिंग करनी है मेरे को। जेनी, व्हाट? प्लीज तुम बैठ जाओ ना। व्हाई? बैठो ना प्लीज। अभी मुझे वो हाथ दिखाओ जिसमें तुम्हारी वेडिंग रिंग है। मुझे दे दो वो हाथ। जेनी माय लव, हो गया लगता है इनका सस्ता हॉलीवुड। मामी आ चुकी है, मामी देख रही है सब। देखने दो, अब तो हमारी शादी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। तुम आने के बाद मेरी लाइफ खुशियों से भर गई और मैं ये चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ को हमेशा ऐसी ही खुशियों से भराती रहोगी। जेनी, तुम सच में बहुत स्वीट हो। तुमको देख के मैंने प्यार करना सीखा। तुमसे मैंने बस प्यार नहीं बल्कि बाकियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, सबके साथ घुल मिल के कैसे रहते हैं वो सीखा। मैं हमेशा तुम्हारा हर मोड़ पे साथ दूंगा। तुम भी मुझे कभी मत छोड़ के जाना, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और रॉकी, तुम कितने क्यूट हो। नई नई शादी हो जाने के बाद सब क्यूट ही होते हैं, बाद में हो जाते हैं म्यूट। Just joking. My Sushu is not like that. अभी भी वैसा ही प्यार करते हैं जैसा शादी के पहले करते थे। Sumitra, my love, thank you so much. तुमने जेनी का, रॉकी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा। बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, अभी इनकी दोस्त तो क्या बोल सकते हैं, और दीदी भी मान लिया ना अभी तो, दीदी यानी कि खर्चा करेगी दीदी। दीदी खर्चे के लिए तो है दीदी। वैसे दीदी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। और रहना है क्या? सगाई हो गया, शादी हो गया,
अभी तो जाना ही पड़ेगा बिकॉज मेरे बहुत सारे काम है वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो काम भी करती है? यस दीदी, मेरा बहुत बड़ा क्लोथ्स का शॉप है। इनफैक्ट आई एम अ फैशन डिजाइनर। शक्ल देख के तो नहीं लगता, लगा नहीं था मुझे ऐसा। अभी 2-3 महीनों से तो दुकान बंद ही होगा ना, तो अभी जाके ओपन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए हम आज ही वापस जा रहे हैं। ठीक है फिर, चलो चलो, देर हो जाएगा, फ्लाइट वगैरह छोड़ जाएंगे। हाँ हेलो स्वीट थावी। अरे आओ आओ, फॉरेन की बार्बी डॉल रॉकस्टार रॉकी। न्यू ईयर में नए नए कपल को देख के दिल एकदम खुशम खुश हो गया। बैठो ना, बोलो क्यों पधारे हो स्वर्ग से उतरी हुई जोड़ी। जेनी बता दो हम किस लिए आए। तो एक्चुअली स्वीट थावी, हम आपसे विदा लेने आए थे। हम आज ही वापस जा रहे हैं। अरे क्या, कल ही तो शादी हुई, आज भाग रही है। स्वीट थावी अब बहुत हो गया ना, और कितना रहे दूसरों के घर में। बहुत जल्दी समझ आ गया। मैं ये कह रही थी, अरे दीदी का ही घर है, दीदी यानी अपनी होती है, रहो अगर तुमको रहना है तो। मैंने कभी कुछ बोला? अभी नहीं बोला। दीदी वो बात तो ठीक है, बट अभी मेरे मन को खराब लग रहा है बिकॉज मेरे बहुत सारे काम वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ वापस। अभी तुमने सोच ही लिया है तो हम क्या बोल सकते, इट्स योर डिसीजन। ओहो क्या बात है, न्यू कपल आया है, वापस जाने का बोल रहे आज। थोड़ा और दिन रुक दे। नो नो दीदी, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है और अभी तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे क्या। मैं भी जा रही हूँ तो जाओ। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आप हमारी एक फैमिली ही बन गई हो। बहुत याद आएगी, आप सबकी। शुरू हो गए इनके ड्रम में। अच्छा गले लग। चलो रे जल्दी चलो, फ्लाइट छूट जाएंगे। आती रहना, हाँ भूल मत जाना हमें। यस स्वीट थावी, जरूर आऊंगी, किसी के लिए नहीं बट आपके लिए तो जरूर आऊंगी। वैसे रॉकी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, डोंट माइंड। शादी इतनी बड़ी हुई अच्छी हुई, पर तेरे घर से कोई क्यों नहीं आया? रिहान, तेरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, क्यों? किसी को तो आना चाहिए था ना। मैं बताती हूँ, ना जाने मत बता। दरअसल रॉकी की और उसके फादर की ज्यादा नहीं जमती है। जब रॉकी 2 साल का था तब उसकी मॉम गुजर गई, तब से वो अपने पापा के साथ ही रहता है। बट उसका ऐसा कहना है कि उसके पापा ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसी की वजह से उन दोनों के काफी ज्यादा झगड़े होते रहते हैं। देख रॉकी, भले तुम दोनों में कितने भी मतभेद हो, पर शादी के लिए तो तुझे उनको बुलाना ही चाहिए था। ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। बराबर कहा था सुमाने, भले ही कितना भी झगड़ा हो पर तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था ये। उस दिन तो कम से कम तुझे उन्हें बुलाना ही चाहिए था। मैंने बुलाया था, I call him, बट वो नहीं आना चाहते थे इसलिए नहीं आए। वो आना चाहते थे रॉकी, बट वो नहीं आ पाए बिकॉज उनकी फ्लाइट मिस हो गई कल की। लगता है उन्होंने तुमको भी मेरे जैसा बुद्धू बना दिया, वो ऐसे बहाने देते ही रहते हैं। अगर बहाना होता तो वो आज यहाँ पे नहीं आते। रॉकी, मैंने कल आने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रही, प्लीज मुझे माफ कर दो। रॉकी के पापा, बचपन से मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें वो अटेंशन नहीं दिया जो तुम डिजर्व करते थे। मैं बस अपने काम में बिजी होता था। उसके बाद हमारे बीच जो मतभेद बढ़े वो बहुत ज्यादा थे। तुमने बहुत कुछ सहा है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद जो मेरे ऊपर बीती मैं वो तुमको बता भी नहीं सकता, पर मैंने ये सोचा ही नहीं अगर मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा तो तुम्हें तो कितना लगा होगा। प्लीज रॉकी, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। मैं ये चाहता हूं तुम सब कुछ पीछे का भुला के मेरे साथ इस नए साल में एक नई शुरुआत करो। प्लीज कम माय डियर, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है।
खड़े क्या हो, जाइए गोली लगी। ऐसा क्या देख रही हो तो सुमा, उनके यहाँ के लोग काफी फ्री माइंडेड होते हैं। क्यों, चुप बैठ माइंडलेस औरत।